रामायण के लक्ष्मण ने किया ऐसा कारनामा तो लोगों ने याद दिला दी मर्यादा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्या हुआ कि टीवी के पौराणिक सीरियल रामायण के लक्ष्मण यानी कि एक्टर सुनील लहरी को लोगों ने अपने निशाने पर ले लिया है, क्यों उन्हें लोग मर्यादा में रहने की सलाह देने लगे हैं? तो चलिए हम बताते हैं आपको इस पूरी कहानी के बारे में। दरअसल बीते दिन 9 जनवरी को ही सुनील लहरी का 62वां जन्मदिन था। इस मौके पर उन्हें फैंस से लेकर उनके दोस्तों से बधाइयां मिली थी। वहीं जब मौका जन्मदिन का था तो सुनील इसे सेलिब्रेट कैसे नहीं करते, तभी तो अपने बर्थडे के मौके पर वो एक ऐसे मूड में थे कि लोगों को उन्होंने अपना एक ऐसा अंदाज दिखाया जिसे देख फैंस को लगा 440 वोल्ट का झटका। हुआ यूं कि वीडियो में नजर आ रहा है कि सुनील चेयर पर बैठे हुए हैं और वो अपना केक काटने की तैयारी में है, लेकिन वीडियो की शुरुआत में वो हाथ में माचिस लेकर कुछ ऐसा कारनामा करते हुए दिख रहे हैं कि लोग कंफ्यूज हो गए। अब इस बात के होने की देर थी कि ये होता देख लोगों को लगा कि लक्ष्मण उर्फ सुनील सिगरेट जला रहे हैं और स्मोकिंग को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी क्योंकि वो महज अपने बर्थडे केक के लिए कैंडल जला रहे थे। ऐसे में सुनील का ये वीडियो देख फैंस भी हैरान रह गए, जहां कई फैंस उनकी मस्ती पर हंसते नजर आए तो कई ऐसे भी रहे जिन्हें उनका ये अंदाज कतई रास नहीं आया। तभी तो लोगों ने एक के बाद उन्हें आड़े हाथों ले लिया। एक ने तो सीधे सीधे उन्हें ट्रॉल कर दिया और वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखा, आपको ये शोभा नहीं देता। एक और शख्स ने कमेंट किया, आपने रामायण में लक्ष्मण का रोल प्ले किया था, अब आप ऐसी चीजें करेंगे तो लोगों को मर्यादा कैसे सिखाएंगे। तो एक यूजर ने मजाक में लिखा, प्रभु जी आपने तो धोखा कर दिया। एक यूजर ने कहा, लक्ष्मण जी को ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। इस तरह से कई और लोगों ने भी उन्हें खरी खोटी सुनाई। वैसे आपको बता दें कि सुनील से पहले रामायण की सीता यानी कि एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया भी कुछ इसी तरह ट्रॉल हो चुकी है। दरअसल कुछ समय पहले ही दीपिका को अपने बोल्ड लुक की वजह से ट्रॉलिंग झेलनी पड़ी थी, जब दीपिका ने शॉर्ट स्कर्ट और व्हाइट शर्ट पहने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की थी। दोस्तों के साथ पार्टी करती दीपिका हाथ में जाम का ग्लास थामे दिखी थी, जिसके बाद फैंस का गुस्सा दीपिका पर फूटा था। हालांकि बाद में अपनी भूल को सुधारते हुए दीपिका ने वो तस्वीरें डिलीट कर दी थी और माफी भी मांग ली थी। गौरतलब है कि सुनील लहरी ने कई फिल्मों में काम किया है, जिनमें फिर आए बरसात और बहारों की मंजिल जैसी फिल्में हैं। वहीं उन्होंने विक्रम और बेताल, दादा दादी की कहानियां समेत कई टीवी शो में काम किया है, लेकिन उन्हें असली पहचान रामानंद सागर के रामायण में लक्ष्मण से ही मिली। इस किरदार को निभाने के बाद वो हर तरह से दर्शकों के दिलों पर छा गए। ब्यूरो रिपोर्ट E24।